मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी माह से ही दिया जाएगा। जनवरी से जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में देंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो की समस्त टीम को हृदय से बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मानस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी की स्मृति में आयोजित जन्म जयंती कार्यक्रम में सहभागिता की एवं उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। जन्म जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाट पिपलिया ITI एवं देवास ओल्ड फ्लाई ओवर का नाम स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कैलाश जोशी जी की जयंती पर उनकी स्मृति में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री जी ने श्यामराय स्थित उद्यान में स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी के परिजनों के साथ पीपल, कदम, नीम और करंज के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास स्थित सभागार में जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं राजनीति के संत नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कैलाश जोशी जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए QR कोड के माध्यम से सिटीजन फीडबैक दिया। मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भोपाल में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पर्यावरण सामाजिक शासन पर आयोजित संगोष्ठी में सहभागिता की एवं कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर में स्वर्गीय श्री महेश जी भावसार की स्मृति में आयोजित निशुल्क कैंसर रोग परीक्षण परामर्श जन जागरण शिविर में सहभागिता की एवं उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बड़वानी स्थित निवास कार्यालय पर नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भेंट की एवं विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन लेकर उन्हें निराकरण का आश्वासन दिया।